हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सभी खैरियत के साथ होंगे। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं दरअसल मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, और बारिश हो रही है यहाँ पर, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम जो है नीदरलैंड में बिल्कुल चेंज हो गया है। लास्ट 2 वीक काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन अब ठंड लगता आ गई है। समर जो है लगता ख़त्म हो गया है। और जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं, हम पहली दफ़ा जा रहे हैं सामान लेने। नहीं, और रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्ली मिली। तो बच्चे जो उनसे थे, बिल्लियों को बहुत पसंद करते हैं। खासकर ये मेरा जो छोटा काका है, ये बहुत इस प्यार करता है बिल्लियों को। तो जो मेरी बेटी है वो पूछ रही थी, मामा बिल्ली को प्यार करें, तो मैं उसे समझा रही थी कि किसी के जानवर को प्यार नहीं करते, क्या पता वो माइंड कर लें। और मेरे बच्चों की जो कुरान की क्लासेस हैं वो माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे तो नमाज, कलमे और दुरूद पाक वगैरह मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया था खुद ही, लेकिन जो प्रॉपर क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो मेरे बच्चों की स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपसे भी दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कुरान की तालीम में कामयाब करे। हाँ, वो बिल्ली है। अच्छा, मुझे बताओ हमने क्या क्या सामान लेना है। अहमद, आप बताओ। जुकरू, हम बोलेंगे जो मैंने कभी भी नहीं अंडा लेकर दिया वो लेकर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा तो अभी कुछ शॉपिंग करूंगी, जो घर का सामान ख़त्म हो गया वो लूँगी। और ये ग्रीक योगर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लूँगी। और साथ में बच्चों की फरमाइश की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो लूँगी। तो बच्चे जिनसे थे इधर मुझसे फरमाइश कर रहे थे, वो जो आइसक्रीम के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सी वाली आइसक्रीम लें। तो छोटा बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो कुछ और कह रहा था और बेटी कुछ और कह रही थी। तो फिर एंड पे मुझे अपनी ही पसंद की लेनी पड़ी आइसक्रीम। और अब वापसी पर देखा तो मेरा जो छोटा काका है, उसने कारनामा किया हुआ था कि अपना जो एक बूट है वो कहीं फेंक दिया था। तो ये पूरे रास्ते में जब भी कहीं मैं जाती हूँ तो 3 से 4 दफ़ा ज़रूर ऐसे करता है, बूट फेंक देता है। अभी मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा कि छोटी बहन ने इसको उसने फेंका था, तो उसने संभाल के रख ली। तो अभी घर आई हूँ, और घर आके फटाफट बच्चों के लिए मैंने ये चिकन फ्राई किया है, और साथ में कुछ फ्राइज़ हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो ये बच्चों को दूंगी। और अपने लिए कुछ क्या कहते हैं और बनाऊंगी। आजकल मैं पीसी जो डाइट है वो फॉलो कर रही हूँ। पीसी डाइट पता ही होगा सभी को, पोर्शन कंट्रोल डाइट। तो ये मेरे बच्चों की प्लेट है, बाय द वे मैं फ्राइड चिकन ही खाऊंगी। मैं इसको वैसे ही दही में और कुछ क्या कहते हैं सांभर चटनी होती है ना, जो बहुत स्पाइसी होती है, वो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ दही, सांभर चटनी, नमक और चाट मसाला और कुछ क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, और साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो मुझे जो ये स्वीट कॉर्न है ये अच्छी लगती है सैलेड में और वैसे भी खाने में, तो ये मैं थोड़ी सी डालूंगी ऊपर और इसे मज़े से खाऊंगी। और ये मेरे बच्चों के मनी बैंक कह लें या गल्ला कह लें, तो इसमें मैं उनको पैसे देती हूँ, हर वीक 1 यूरो देती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों की इतनी लंबी फरमाइशें होती हैं कि बंदा कहता है कि इनको भी समझ आनी चाहिए कि यानी कि कैसे हर वक्त एक टॉय की ज़िद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर वीक 1 यूरो देती हूँ और उनको कहती हूँ कि जब इसमें अच्छी अमाउंट हो जाएगी, कुछ आप टाइम वेट करो, तो फिर आप अपनी पसंद की कोई अपनी पसंद का कोई भी टॉय ले लेना, या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी डिज्नी मूवी जो चल रही होती है सिनेमा में वो देख लेना। तो इस तरह उनको सब्र भी आ जाता है और वो वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये प्यारी है ज़्यादा के तुम? तुम प्यारी हो। और अभी रिसेंटली मैंने ये एक हॉलीवुड स्ट्रेटनर लिया है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और काफ़ी ये अट्रैक्टिव था। ये हेयर स्ट्रेटनर एक्चुअली एक ब्रश की तरह है,
आप सिंपली इसे अपने बालों में ब्रश की तरह कंघी करते हैं और आपके बाल भी स्ट्रेट हो ही जाते हैं साथ साथ, और कंघी भी हो जाती है। लेकिन इसे आप करने से पहले आपको अपने जो टैंगल्स एंड गुंजले हैं बालों की वो निकालनी पड़ेंगी। उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ इंस्ट्रक्शंस में कि अपने जो इसे यूज़ करने से पहले अच्छी तरह अपने बाल जो से ना उनको आप कंघी कर लें, उसके बाद ये यूज़ करें। और जब आप इसे ओपन करते हैं, इसको ऑन करने के लिए आपको वहाँ पर जो पावर का बटन है उसको कुछ लम्हों के लिए प्रेस करना पड़ता है, तो फिर ये ऑन हो जाता है। और फिर आपकी अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर एंड वॉल्यूम आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके टेम्परेचर को। और इस पर यह भी लिखा हुआ है कि ये 8 साल से लेकर आगे तक, यानी कि 8 साल की उम्र के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं बच्चों के ऊपर। और इसके अलावा ये भी है कि आप इसे यूज़ करने से पहले बालों पे कुछ भी लिक्विड जो है वो बिल्कुल ना लगाएं, और बाल बिल्कुल आपके ड्राई होने चाहिए। इवन के जो स्टाइलिंग लिक्विड कुछ भी आप लगाते हैं वो भी बिल्कुल मत लगाएं इसे यूज़ करने से पहले। हाँ, यूज़ करने के बाद आप लगा सकते हैं, तो जब भी आप इसको यूज़ कर लें उसके फ़ौरन बाद आप इसे अनप्लग कर लें, इसको ऑफ़ करके अनप्लग कर लें। मैंने इसे यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे कंघी की तरह ही यूज़ कर रहे होते हैं और आपके बाल भी स्ट्रेट हो रहे होते हैं। बेटा इसे बाल जो है ना वो स्ट्रेट करते हैं। क्या होता स्ट्रेट होता है जैसे सीधे, हाँ सीधे करते हैं बेटा, गुंजल निकालना नहीं, गुंजल नहीं निकालते इससे, इससे खाली कंघी से बेटा, नहीं ये स्ट्रेटनर है, इसे बाल सीधे करते हैं। ये मेरी बेटी के समर के लास्ट ईयर के समर के फ्रॉक्स हैं कुछ, उसको थोड़े सारे छोटे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ स्कर्ट्स के अंदर। और मैंने किया भी ऐसे, जो माशाल्लाह फर्स्ट वाला था ब्लू वाला वो मैंने किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत प्यारा सा उसका एक क्यूट सा स्कर्ट बन गया और वो बहुत खुश है। बच्चों की ये ग्रोइंग एज होती है तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो से होते हैं उनके छोटे हो जाते हैं, बमुश्किल एक सीज़न ही निकलता है, तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहता है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मज़ा भी आता है जिनको शौक़ होता है DIY इस तरह के कुछ काम करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया। ये देखिएगा, ऊपर की जो अपर बॉडी होती है वो मैंने काट दी थी और थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रख लिया था और फिर उसको फोल्ड कर दिया था इस तरीके साथ, अच्छी सी उसकी क्या कहते हैं सेटिंग कर दी थी, और हाथ की सुई के साथ ही मैंने वो सी दिया था और फिर इलास्टिक डाल दिया था। तो स्कर्ट जो है वो रेडी है, अभी आपको घूम के भी दिखाएगी। तो ये है फाइनल लुक। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी। ये बाइना आती, ये बाइना नहीं आती बेटा, ये बहुत बड़ी है। मैंने महीना पहले तकरीबन एक जो सैंडल्स थी घर में पहनने के लिए जूती थी वो ली थी प्राइमार्क से, जो कि 3.5 यूरो की थी, 2 पेयर से 3.5 यूरो में। तो वो एक पेयर जो था वो तकरीबन मैंने 15 दिन ही पहना होगा, तो वो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये 15-20 दिन के लिए ले रही हैं सैंडल्स तो ठीक है, तो अदरवाइज़ वही वाला हिसाब है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और ये जो मेरी बेटी है इसके ऊपर आइसक्रीम बनी हुई है और वो ज़िद कर रही है कि ये मुझे दे दो, मुझे बस आने ही वाली है ये सैंडल और मैं कुछ अर्से तक ये पहनने लग जाऊँगी।